हेलो एवरीबॉडी, मैं सर कुशाग त्रिपाठी और द कन्वर्सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है द स्ट्रेंजर यानी अजनबी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अजनबियों के बारे में और उनका हमसे क्या रिश्ता है। वैसे तो अक्सर हम सभी से बोला जाता है कि अजनबियों से दूर रहिए, उनसे बात मत करिए, अजनबी थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, उनको समझना थोड़ा कठिन है। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि ये दुनिया एक परिवार है तो उसमें कोई अजनबी हो नहीं सकता। सबसे पहली बात तो ये है, अगर हम इस दुनिया को एक परिवार मान रहे हैं तो उसमें कोई भी अजनबी नहीं है, या तो फिर हम उसे परिवार ना माने। मैंने एक फिल्म देखी थी कभी अलविदा ना कहना, उसमें शाहरुख सर ने बोला था कि कभी कभी अजनबी अपनों से ज़्यादा जानते हैं, और ये बात बिल्कुल सही होती है। आप कभी सफ़र में बैठे हैं या कहीं आसपास के एरिया में घूम रहे हैं, आप अगर अजनबियों से बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, ये सामने वाला पर्सन मेरे घर वालों से ज़्यादा मेरे बारे में जानता है या मेरी फीलिंग्स को समझ सकता है। तो ऐसा नहीं कि सारे अजनबी ख़राब होते हैं, अजनबी अच्छे होते हैं। उनसे बात कीजिए, उनसे दोस्ती बढ़ाइए, ऐसे ही फ्रेंडशिप होती है, ऐसे ही प्यार स्प्रेड होता है। हाँ, ये बात दूसरी है कि उनसे अपनी थोड़ी सी प्राइवेट चीज़ें बचा के रखिए, जैसे कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स हो गई, अगर आपको लगता है कि मुझे ये नहीं बताना चाहिए तो मत बताइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे बिल्कुल ही दूर रहिए। तो अब बात करते हैं अजनबियों से हम किस प्रकार से अपना रिश्ता बनाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो सामने वाला पर्सन बैठा है वो हूबहू हम हैं, क्योंकि उसके पास भी वही हार्ट है जो हमारे पास है, उसके अंदर भी वही फीलिंग्स आती है जो हमारे अंदर आती है, इसलिए हम में और उसमें कोई फर्क नहीं, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स। हाँ, ये बात अलग हो सकती है कि लोगों की थोड़ी मेंटालिटी होती है कि यार लेडीज जेंट्स आपस में बात नहीं कर सकते हैं, सामने वाला बात नहीं कर सकते, तो ये दूसरी बात है, उनकी मेंटालिटी वो अपना समझें। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप सामने वाले से बातचीत प्रारंभ करेंगे तो वो कुछ अपने बारे में बताएगा, आप उसको कुछ बताएंगे, ऐसे ही इंट्रैक्शन बढ़ेगा, दोस्ती बढ़ेगी, मेल मिलाप बढ़ेगा, ऐसे ही हम खुशियां आपस में बांट सकते हैं, अपने दुख आपस में बांट सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने घर वालों से नहीं कह पाते हैं, अपने दोस्तों से कह सकते हैं, या जो हमारे आसपास के एरिया में रहता है उनसे कह सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अजनबियों से भी दोस्ती करने की कोशिश करें, ये ना सोचें कि यार ये गलत है, ये मतलब अजनबी है यार, हम इससे क्यों बोलें। आपके मोहल्ले में या आपके एरिया में कोई नया रहने आया है तो उसको इस नज़रिए से ना देखें कि यार ये तो नया है, अजनबी है, हम इससे बात नहीं करेंगे। नहीं, उससे बात कीजिए, उसकी अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो उसकी हेल्प कीजिए, उसकी आप मदद करेंगे तो कभी ना कभी लाइफ में, पूरी दुनिया एक तरह से गोल है, कभी ना कभी आपको भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है, मेरे साथ हो चुका है, आपके साथ भी होगा, कि आपको रास्ते में किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो उस टाइम आपके रिश्तेदार नहीं बल्कि एक अजनबी ही काम है। तो इसलिए मेरा कहना है कि अगर हम इस दुनिया को अपना घर मान रहे हैं, एक परिवार मान रहे हैं, सभी को अपना रिश्तेदार, अपना पड़ोसी मान रहे हैं, अपना दोस्त मान रहे हैं, तो उनसे दोस्ती करना भी ठीक है, उनको अजनबी मानना छोड़ें। हाँ, अपनी पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप अपना एटीएम पिन उनको बता दीजिए या बैंक पासवर्ड, मोबाइल पासवर्ड उनको बता दीजिए, या कोई ऐसी सीक्रेट चीज़ है जो आपको सिर्फ अपने तक रखनी वो बता दीजिए, उनको बताइए, कोई बात नहीं। लेकिन आप अपने लाइफ की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनके बारे में तो बात कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, मेरी घड़ी में इस समय टाइम हो चुका है, इसलिए बज रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अपनी वीडियो को मैं काम करता हूँ। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का टॉपिक सिर्फ इसलिए है कि हम अपने अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस लाएं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे थोड़े बहुत वीडियो देखे, मुझे उसमें लगा कि यार अजनबियों के बारे में कुछ निगेटिव ही दिया गया है, तो मैंने सोचा कि यार मैं इसका दूसरा पॉइंट रखूँ। मैंने इसीलिए अपने चैनल का नाम द कन्वर्सेशन इसीलिए रखा है कि मेरे मन में जो बात आती है, मेरे मन में जो विचार आते हैं, मैं आप तक शेयर कर सकूं, मैं आपको ये बता सकूं कि हाँ, मेरे अंदर भी एक फीलिंग है।
और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे ये भी निवेदन करूँगा कि आप सभी पॉलीथीन बैग का यूज़ बहुत ही कम करें, घर से निकलें तो अपने साथ एक कपड़े का थैला ले लें। हम लोगों की एक आदत होती है कि हम लोग आसपास के एरिया में कुछ भी देखते हैं तो उसे अपने फैशन बना देते हैं। अगर हम अपने घर से कपड़े का थैला लेकर के निकले हैं तो आसपास के लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। मैं ये करता हूँ तो मेरे घर के मेम्बर्स पे, मेरे फ्रेंड्स पे इसका प्रभाव पड़ा, इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि कपड़े के थैले का यूज़ करें। दोस्तों, आज के वीडियो में मुझे सिर्फ इतना ही कहना था कि अजनबी ख़राब नहीं है, सभी अजनबी ख़राब नहीं है। हाँ, कुछ लोग खराब होते हैं, उनको मैं साइड करता हूँ, उनके बारे में मुझे बात नहीं करनी। उनसे दोस्ती बनाइए, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनके दुख जानिए, उनकी खुशी जानिए, अपने दुख बताइए, अपनी खुशी बताइए। दुख बताएंगे थोड़े कम होंगे, खुशी बताएंगे बढ़ जाएंगे। तो आखिर में मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर आपकी इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी आपको दूंगा, आप उस आईडी पे जाइए, अगर मन हो पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।